फ्रेंड्स वेलकम टू ममता की स्थल का एमर होस्ट एंड दोस्त ममता। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैं ये सैंडविचेस बाइट्स बनाने जा रही हूँ जो कि आप किटी में या किसी गेट टुगेदर में फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं और असेंबल करके रख सकते हैं फटाफट से। दो दो मिनट में ये देखिए 12-12, 15-15 तैयार हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। ढूंढते हैं ब्रेड का भी अल्टरनेट, क्योंकि हमें ब्रेड है नहीं घर पे जैसा मैंने आपको बताया। तो अब ये देखिए पैन रख लिया मैंने और पैन में मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल। ये मैं 1 स्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी। ऑलिव ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब ये देखिए बिल्कुल हीट हो चुका है। अब आप इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, जीरा मेरा क्रैकल हो चुका है। अब ये इसमें देखिए मैं मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ, मस्टर्ड के क्रैकल हो चुके हैं। अब ये मैं डाल रही हूँ बहुत सारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता होता है बहुत ही अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए 1 बोल मैंने भर के इसमें मैं वाटर डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाते हैं। ये 1/2 स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट एज पर टेस्ट एज पर हेल्थ जैसा कि हमेशा बोलती हूँ। थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाते हैं। ये थोड़ा सा जिंजर मैंने लिया है, जिंजर ग्रेट करके ये जिंजर डाल देते हैं। अच्छा 1/4 स्पून जो मैंने मैजिक मसाला बनाना बताया ना आपको धनिये से, ये वही मसाला है। अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। देखिए इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है और आपने देखा था मैंने 1 बोल में थोड़ा सा कम पानी लिया था, तो मैंने ऐसे ही सूजी भी थोड़ी सी कम ली है। तो अब देखिए बॉयल आ चुका, अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे और सूजी ऐड करने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, अच्छा मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है लेकिन यदि आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। इसको लगातार चलाते रहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छा डो बन के तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे इसी तरह से। इसको निकाल लेते हैं और थाली में और इसको ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स एक हेल्दी सी स्टफिंग बनाएंगे। ये देखिए मैंने फिर से ऑलिव ऑयल लिया है और ये मैं 1 स्पून ऑयल ले रही हूँ। ऑलिव ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी, क्यूमिन सीड, इसे गर्म होने दूंगी। इसमें मैंने ये जिंजर ग्रेट करके रखा है, जिंजर डाल रही हूँ। ये ग्रीन चिली डाल रही हूँ मैं इसमें। 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया डालेंगे। अच्छा ग्रीन चिली का मैंने यूज़ किया है तो इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। ये मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ ताकि उसका कलर बहुत अच्छा आ जाए, क्योंकि देखिए जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है। अब ये देखिए मैंने एक छोटा टमाटर चॉप करके लिया है, छोटा छोटा, इसमें मैं ये टमाटर डाल रही हूँ और ये मिक्स कर देंगे। अभी देखिए ये हम स्टफिंग बना रहे हैं, इसमें हमें रोगन निकालने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हम सब्जियों में करते हैं बहुत अच्छा, तो हम इसको इसी के साथ बहुत अच्छा ऐसे सौते करेंगे। ये देखिए मैं ना हल्दी डालना भूल गई थी तो बिल्कुल पिंच में हल्दी डाल रही हूँ। अब देखिए स्टफिंग बहुत हेल्दी क्यों है, क्योंकि ये देखिए मैंने मूंग के स्प्राउट लिए हैं और ये मूंग के स्प्राउट भी मैंने घर पे बनाए हैं और ये देखिए मैं स्प्राउट डाल रही हूँ। हम ये बहुत ही हेल्दी से सैंडविचेस बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी, और इसको हम चला लेते हैं। और ये देखिए हमको ना वाटर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इस पे 1 मिनट के लिए लिड लगा देंगे। ये जो टमाटर का जो मॉइस्चर है और वैसे है, और वैसे भी देखिए स्प्राउट तो जितने कच्चे खाएंगे आप उतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं। देखिए 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए 1 मिनट में बहुत अच्छा सा इसके अंदर से बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अच्छा हमको क्या होता है कि हर चीज़ को ना ये होता है कि हर चीज़ में सारे मसाले नहीं जाते, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाएंगे। अब मैं इसमें क्या ऐड करने जा रही हूँ, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 बॉयल डालूंगी और ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। अच्छा खाना है क्या कला आर्ट कि उसमें आप कितने कलर डाल सकते हैं, कितना हेल्दी बना सकते हैं। ये देखिए लग रही है ना स्टफिंग कितनी यम्मी सी, कितनी हेल्दी सी। इसके साथ प्लेन 2 पराठे बनाइए घी भर के और खाइए, फिर देखिए मजा ही आ जाएगा कि कितने अच्छी स्प्राउट की सब्जी बनी है। और ये देखिए अब ये मैं अपना बनाया हुआ चाट मसाला, मैजिक मसाला इसमें डाल रही हूँ और ये देखिए इसका कमाल, इसका ना जो टेस्ट है 100 गुना बढ़ जाएगा इस मसाले से। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग सी मेरी स्टफिंग हेल्दी सी तैयार है। और ये देखिए ये भी ठंडा हो चुकी है, मेरे ब्रेड का जो हम बनाएंगे, ब्रेड की जगह जो हमने अल्टरनेट बनाया ब्रेड, ये देखिए इसको हम ऐसे मसल मसल के, और पता है इसमें से ना कड़ी पत्ते की इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है ना मैं आपको बता ही नहीं सकती, जैसे बिल्कुल डो लगाते हैं बिल्कुल वैसे हमें डो लगा लेना है। इसको अब हम देखिए 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए ना ज़्यादा पतली रखेंगे ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटी रखेंगे। अच्छा देखिए मैंने कुकी कटर लिया है, आप इसकी जगह कोई छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इससे अब हम कट कर
कर लिए ऐसे करके। तो देखिए छोटी छोटी बनानी है। अब हमने जो स्टफिंग बना के रखी है, आप स्टफिंग लीजिए, ये देखिए स्टफिंग ली है मैंने, और स्टफिंग इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, यदि आपको लग रहा है छोटा है थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दीजिए। इसको उठाइए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए आधा कप सूजी से मेरे 2, 3, 5, 3, 8, 10 सैंडविचेस बन के तैयार हो गए। छोटी छोटी सी बाइट्स हैं और आप किटी पार्टी में किसी में भी सर्व करेंगे तो सब फटाफट से खा जाएंगे। अब ये देखिए मैंने तवा रख लिया है, मैंने नॉनस्टिक तवा रखा है, तो आप कोई भी तवा यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या बटर लगा लेंगे। एक ही बार में तवे पे देखिए मैंने सारी बाइट्स लगा दी हैं, सैंडविच बाइट्स, और ये देखिए इनको अब हम एक तरफ से होने देंगे बहुत अच्छे से। देखिए लग रही है ना कितनी यम्मी सी, कितनी हेल्दी सी, बिना ब्रेड के इंस्टेंट ब्रेड बनाई और देखिए इंस्टेंट फटाफट से बना दी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस करके इनमें सेक दीजिए, बिल्कुल 1 मिनट हुआ है और अब हम इन्हें ऐसे तंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी एक्सपेरिमेंट जरा से भी अच्छे लगते हैं और आपको लगने लगा है कि आप अपने खाने में एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, आपका खाने का टेस्ट बढ़ने लगा है, तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। खाना बनाना भी ना एक बहुत बड़ी आर्ट है, आप उसमें जितनी इंग्रेडिएंट्स जितने मतलब आप उनमें जितना एक्सपेरिमेंट करते ही जाएंगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि किस इंग्रेडिएंट का आपको कितना यूज करना है, कितना फ्लेवर देना है। और ये देखिए इतनी जल्दी चेक कर लेते हैं दूसरी तरफ से भी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी, कितनी क्रंची, और ये देखिए कितनी यम्मी सी लग रही है ये मेरी सैंडविचेस बाइट। और ये देखिए 1 मिनट उधर से लगा है और 1 ही मिनट इधर से लगा है और बन के तैयार हो गई कितनी सारी एक साथ। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं फटाफट। ये देखिए फटाफट से इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए लग रही है ना कितनी करारी, कितनी क्रिस्प, कितनी मजेदार, ये देखिए कितनी यम्मी, कितनी हेल्दी स्प्राउट्स की फिलिंग। तो देर किस बात की है, जल्दी से बनाइए, खाइए, खिलाइए और आप इसे किटी पार्टी में, गेट टुगेदर में, बच्चों के टिफिन में कहीं भी दीजिए, टिफिन खाली होके ही आएगा। तो जल्दी से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना किस शहर से, किस जगह से, किस सिटी से बैठ के आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए।